The Liberhan Commission of Inquiry that probed the 1992 demolition of the Babri Masjid found 68 people culpable for leading the country into the worst ever communal discord since partition. Among them is this godman, Sakshi Maharaj. In conversation with Cobra Post reporter K. Ashish, Swami Sachidanand Sakshi, also known as Sakshi Ji Maharaj, gives his own introduction. इस आंदोलन में से आडवाणी जी को, कल्याण सिंह जी को, साक्षी महाराज को, उमा भारती को निकाल दो, जीरो आंदोलन। इस आंदोलन के चार हीरो हैं केवल, उसमें सबसे बड़ी भूमिका आडवाणी की। Post the 1992 Ayodhya riots, Sakshi Maharaj was expelled from the Rajya Sabha for involvement in an MP Lad scam. A television channel showed Sakshi Maharaj demanding money from contractors for giving them work under the MP Lad scheme. Sakshi Maharaj admits to the Cobra Post reporter that the Ayodhya movement would have not been fully realized without his contribution. He recounts that VHP leader Ashok Singhal was responsible for the casualties of 1990. Bear in mind that these are the proponents of Hindutva in India. ये सूचना आई कि सब लोग कह रहे हैं कि चलो घेर लो, तो मैंने कहा साला जो जो कह रहा पकड़ दिलाओ। अब मैं नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाने वाला, मैं सबको पहचानता तो नहीं, माने नहीं कौन कौन माने नहीं है, संघ के लोगों को, विश्व के लोगों को, मैं सबको जानता नहीं था। तो वो लोग थे बड़े बड़े अधिकारी संघ के, विश्व परिषद के, मैं जानता ही नहीं था। तो मेरे लोग पकड़ ले आते थे उनको, और तहखाना था उसके नीचे, उसे बंद करा देता था मैं। तो मैंने ऐसे 10-20 लोगों को बंद करवा दिया। मैंने सोचा शायद हमारे आंदोलन को बिगाड़ने वाले कुछ विरोधी आ गए, असामाजिक तत्व हैं ये, हम जानते नहीं थे। बोले हम संघ के विषय में कुछ नहीं थे, अंदर चलो। हमारे यहाँ कोई बोल ही नहीं पाता, हमारे पास फौज ज्यादा और बड़ी फौज थी हमारे पास, मतलब सारा होल्ड हमारे हाथ में था। तो हमने उसके तहखाने के अंदर बंद कर दिया लोगों को। मंच लगी हुई थी, साधु सब बैठे हुए थे, वामदेव जी महाराज अपने कमरे में बैठे थे, हम मंच का संचालन कर रहे थे, और कोई भी नहीं आएगा। हमारा आदेश था तब तक अशोक सिंगल जी आ रहे हैं, माइक में आके छीन लिया। अरे आप कौन होते हो, आपने कैसे कर दिया? तो मेरा आदेश है, जब आपने आदेश को दिन दिया तो कोई नहीं जाएगा। तो फिर मैं फिर लड़ गया, आज तक मेरे से संतुष्ट है। मैंने कहा सिंगल साहब, वामदेव जी महाराज का आदेश लो, इस मंच के मालिक वामदेव जी महाराज हैं और मैं हूं। वामदेव जी महाराज आदेश नहीं देंगे, मैं माइक नहीं दूंगा। वामदेव जी महाराज आदेश देंगे, मैं माइक दूंगा। तो वो वामदेव जी पास थे, मैंने सोचा झूठे ही मुझसे कहीं आगे कह दें तो मुश्किल हो जाएगी, तो मैं भी पीछे पीछे चला गया। तो मेरे सामने अशोक सिंगल जी ने कहा, महाराज कुछ लोग नहीं मरेंगे तब तक आंदोलन मुझसे नहीं चलेगा, तो आप आगे ले जाने को। तो अशोक सिंगल जी ने कहा, मोदी जी ने कहा कि बच्चे मर जाएंगे तो बहुत काम खराब हो जाएगा। बोले महाराज जब तक नहीं मरेंगे तब तक कुछ होगा नहीं, आंदोलन तभी आगे बढ़ेगा। आवर ने जो एक बार मंदिर को समाप्त करके यहां पर ढांचा खड़ा किया था, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री यदि सोचते हैं वो दूसरे बाबर बन करके फिर यहां पर मस्जिद बनाएंगे। साक्षी महाराज रिवील्ड द मॉबिट प्लान डिवाइज्ड बाय अशोक सिंगल. The plan was to have some Hindus killed to give a fillip to the movement.
He says he was personally witness to the conversation between Ashok Singhal and the chief of Sadhu Samaj, Vamdev Maharaj. In his own words, Ashok Singhal ji ne kaha, Maharaj, kuch log nahin marenge, to andolan upar nahin uthega. To aap aagya do, jane ki. Vamdev ji ne kaha, bachche mar jayenge, to bahut kaam kharab ho jayega. Bole, jab tak nahin marenge, tab tak kuch hoga nahin, andolan tabhi aage badhega. Thus spoke Ashok Singhal, according to Sakshi Maharaj, and unsuspecting zealous devotees were willingly sacrificed. Listen in to Sakshi Maharaj as he spills some more beans. तो इससे हो गया था भाई, अब तो हम लोग अयोध्या में रहे केवल। अशोक सिंगल ने ये कहा मिलिट्री से बात करेंगे, मिलिट्री उड़ा देगी अगर उसको, वहां कोई मिलिट्री का सबसे बड़ा आदमी उनका रिश्तेदार था, उड़ा देगी था कि नहीं था उन्होंने कहा था, बात हो गई। तो और उसी की गाड़ी से अशोक सिंगल वहां गए थे क्योंकि उसे जाने नहीं दिया जाता था, लोग चोरी चोरी से जा रहे थे। तो ये कह के ये अंडरग्राउंड हो गए कि अब मस्जिद को हाथ नहीं लगाना है, वो मिलिट्री तोड़ेगी। तो हम लोगों को ये कह दिया कि दिल्ली चले गए अशोक सिंगल जी, लेकिन अशोक सिंगल जी वहीं कहीं अंडरग्राउंड थे और उन्होंने एकदम आदेश दे दिया कि मस्जिद पर चढ़ाई कर दो। अब मस्जिद चढ़ाई कर दो तो हमें पता है टूटेगी, जैसे लोग मरेंगे बनाने गुड़ चलवा देगा। एक चीज और पता चली कि साक्षी महाराज टेल्स द रिपोर्टर दैट अशोक सिंगल लेफ्ट द सीन आफ्टर गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू सेट अप हिंदूज एज मार्टर्स फॉर द कॉज ऑफ द अयोध्या मूवमेंट। इफ द साधुज हैड फ्लेड द सीन दे टू वुड हैव बीन किल्ड। साक्षी महाराज गिव्स अ पैरेलल पिक्चर ऑफ द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ 1992, द इल-फेटेड ईयर फॉर इंडियन डेमोक्रेसी। ही टेल्स द रिपोर्टर हाउ द रेजिग्नेशन ऑफ द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश कल्याण सिंह वॉज ऑर्केस्ट्रेटेड by the political powers of the time. अधिकारियों का कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं, सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ। एक चीज और पता चली कि कल्याण सिंह जी जब अपना इस्तीफा देने जा रहे थे उस समय, मतलब बता रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनसे कहा था, फिर उन्होंने उसकी चर्चा की कि हम इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि इस समय अध्यक्ष हम हैं और अटल जी कौन होते हैं, आप इस्तीफा अगर आपने अभी दे दिया, 12 बजे करीब की बात है, तो सेना आ जाएगी, केंद्र की सेना आ जाएगी। और बात जैसे आपने सुनी वैसे सच नहीं है जी, ये बात ऐसे सच है कि मैंने अभी कहा था ना, कल्याण सिंह ने कार सेवा शुरू होते इसी पर लिख दिया था जी। अटल जी से बात हुई नहीं हुई क्या हुआ ये कल्याण सिंह ही जवाब दे सकते, मैं नहीं दे सकता जी। लेकिन वो इस्तीफा देने जरूर जा रहे थे जी, क्योंकि बोलपनामा दे के आए थे, रक्षा नहीं कर पाए, तो कल्याण सिंह तत्काल इस्तीफा देने जा रहे थे। तो इसकी जानकारी आडवाणी जी को भी मंच पर हम लोगों को दे दी गई जी। तो मैंने कहा कि अब तो ये नहीं रुक रहा, कल्याण सिंह जी इस्तीफा देने जा रहा है, क्योंकि कल्याण सिंह हॉटलाइन पर मेरे पास मेरे साथ थे जी। एक एक मुझे सूचना में कल्याण सिंह को दे रहा था, कल्याण सिंह मुझे जी। यहाँ पर ये मैं कल्याण सिंह का प्रतिनिधि के रूप में वहां था जी। तो अगर मैं 5 मिनट बात नहीं करूंगा तो कल्याण सिंह परेशान हो जाते, तो कहां है कैसे करो, एक एक मिनट की बात नहीं करा, इस्तीफा दिया। तो सेना आ जाएगी तो कल्याण सिंह जी मुरली मनोहर जोशी की नहीं मानने वाले थे जी। तो किसी नेता की नहीं मानने वाले थे, कल्याण सिंह जिद्दी भी बहुत थे। तो वहां सबने सलाह करके मैंने शेषाद्रि जी से कहा कि आप अकेले रोक सकते होंगे जी। तो मैंने शेषाद्रि जी ने कल्याण सिंह को फोन किया जी कि कल्याण सिंह मैं शेषाद्रि बोल रहा जी, जो होना था वो हो गया जी, जो नहीं होना था वो हो गया, इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, जितना तुम्हें कष्ट होगा उससे ज्यादा मुझे कष्ट। बहुत रिक्वेस्ट करके कहा कि इस्तीफा तो देना ही है लेकिन थोड़ा इंतजार करो, अगर आज इस्तीफा दे दोगे अभी तत्काल दे दोगे तो यहाँ बहुत बड़ी घटना घट जाएगी, बच्चे मारे जाएंगे, तुम नहीं चाहते मैं नहीं चाहता तो वो सब हो गया। तो यूं लग रहा था कि शेषाद्रि जी ये कह रहे कल्याण सिंह से बहुत बड़ा गलत हो गया
पर अब गलती आप नहीं करेंगे, इस्तीफा जब मैं कहूंगा तब देने जाएंगे। तो फिर वो उस कल्याण सिंह इस्तीफा लेके बैठे रहे, और इस्तीफा जब वो सब टूट गया, रामलला को माजी उठा लाई तो उनका एक बन बना के जब कुछ बन गया चबूतरा थोड़ा सा, रामलला को बैठा दिया गया, तब से शादी में बैठ गए। According to Sakshi Maharaj, RSS functionary H.V. Seshadri strategized the resignation of Kalyan Singh. Had he resigned any earlier, the symbolic installation of Lord Ram statuettes would have not become a reality. In his words, जब वो सब टूट गया, रामलला को उमा जी वहां से उठा लाई, तोड़ ताड़ कर बन बना के जब कुछ बन गया, चबूतरा थोड़ा सा रामलला को बिठा दिया, तब शेषाद्री ने कहा अब दे दो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चुनाव का? चुनाव भी ठीक होगा, होगा तब। When the reporter met Sakshi Maharaj again to reconfirm his account of the Ayodhya movement, हर कार्य बड़े कार्य, हर बड़ा कार्य बिल्ला मांगता है। लोग नष्ट हो जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले। The Cobra Post reporter pays another visit to Sakshi Maharaj for an account of the Ram Janmabhoomi movement of 1990. Sakshi Maharaj tells the reporter that the Marg Darshak Mandal had passed a resolution that the task of demolition be aborted. When some car sevaks declared their intention to start the ascent, Sakshi Maharaj says he invoked the resolution to abort the demolition exercise. At that point, Ashok Singhal mysteriously re-emerges on the march and announces that every noble task demands a sacrifice. In Sakshi's words, अचानक अशोक सिंघल जी कहां से प्रकट हो गए? माइक पर उन्होंने कहा कि हर कार्य, हर बड़ा कार्य बलिदान मांगता है। हर कार्य बड़े कार्य, हर बड़ा कार्य बलिदान मांगता है। तो ये कहे अशोक सिंघल जी चले गए जी, नहीं रेजोल्यूशन पास हो गया, पास हो गया, हाँ। ये अपने बस का काम नहीं है, मतलब हम हाथों से उसे नहीं तोड़ सकते। ये कहते अशोक सिंघल जी चले गए। उसके बाद कुछ लोगों ने ये घोषणा की कि चलो चढ़ाई कर देते हैं, तो मंच मेरे हाथ में था, तो मैंने कहा कि नहीं, आदरणीय अशोक सिंघल जी मना करके गए हैं और एक प्रस्ताव पास हो गया है, तो अब इसमें आप लोग कौन होते हैं? जैसे आपने कह दिया मेरा नाम कुमार आशीष है, मैं कह जान कुमार आशीष है, कोई आपका प्रमाण तो लिया नहीं, तो वो लोग जिन्होंने कहा चलो हम तो जानते नहीं थे, हमने उनका विरोध किया और विरोध भी बुरी तरह से किया, जिससे उनकी बेइज्जती जैसी भी, ये तो अशोक सिंघल जी का आदेश नहीं है, तो हम लोग नहीं करेंगे इस काम को, और संतों को मना करके गए, और ब्रह्म संत स्वामी जी महाराज के मोहम्मद थे, तो सभा लगी हुई थी, एक बार अचानक अशोक सिंघल जी के कान से प्रकट हुए, माइक मेरे हाथ में था, तो उन्होंने माइक मुझसे लिया, छीना तो क्या, जब हमसे सीनियर थे, हम डीएचपी कोटा से सांसद रहे हैं, तो छीनने का कोई मतलब नहीं, तो मांगेंगे तो खुद दे देंगे, वो आ गए तो हम ही दे देंगे, बोलना चाहेंगे, तो माइक लिया, माइक पर उन्होंने कहा कि हर कार्य बड़े कार्य, हर बड़ा कार्य बलिदान मांगता है। Sakshi Maharaj raises several pertinent questions on the firing that killed the car sevaks, and in particular, the killing of Mahendra Singh and the Kothari brothers in 1990. Were they deliberately targeted by the police at the behest of those who had vested interests? Sakshi Maharaj tells the reporter
मैं उस दिन अयोध्या में था, गोलियां मुझे क्यों नहीं लगी? हमारे लोगों ने ही गिन गिन कर अच्छे लोगों पर गोली चलाई। देखिए, दो आदमी उत्तर प्रदेश में बहुत झूठे हैं, एक मुलायम सिंह, एक कल्याण सिंह। मुलायम सिंह ने मुसलमानों को बहकाया कि मैंने तुम्हारे लिए गोली चला दी रामपुर पर। मैं उस दिन भी अयोध्या में था, गोली मुझे क्यों नहीं लगी मैं नहीं जानता, लेकिन एक भी गोली मुलायम सिंह ने नहीं चलवाई थी। हमारे लोगों ने ही गिन गिन के अच्छे लोगों पर गोली चलवाई थी, जो आंदोलन के प्रणेता थे। मैं नाम भी किसी का नहीं रोता। और जब हमने उनका विरोध किया और कुछ लोगों को पीट पीट के हमने तहखाने में बंद किया, तो हमारे कपड़े खींचे गए। हमें पता ही नहीं था कि हमारे लोग करा रही है। तो लोगों ने कहा, साहब जब तो कुछ लोग मरेंगे नहीं थे तो आंदोलन ऊपर ही उठेगा, आप लोगों को डर लगता है, मन जाइए। तो वो जो लोग कलंक मुलायम सिंह के माथे पर है, और मुलायम सिंह कहता है कि मैंने मुसलमान तुम्हारे लिए अपने लोगों को गोली भून दिया, मैंने एक भी गोली मुलायम सिंह ने चलवाई। अगर गोली मुलायम सिंह ने चलवाई होती तो मुलायम सिंह के जाने के बाद बीजेपी सरकार आई, गोली चलाने वालों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं? इससे बढ़िया प्रमाण आपको नहीं मिलेगा। उनको अच्छी अच्छी पोस्ट दी गई, क्यों? कि वो कहीं न कहीं रिलेशन में थे, चाहे विष्णु प्रसाद के, चाहे संघ के, चाहे किसी भी व्यक्ति के, कहीं न कहीं वो लोग रिलेशन में थे जिन्होंने गोली चलाई। और गोली चलाने में तो एरे गहरे नथु गहरे मरने चाहिए, वो साक्षी महाराज के सीने में गोली लगनी चाहिए, वो राजस्थान के अध्यक्ष हैं महेंद्र, उनके गोली सीने गोली लगनी चाहिए, वो बंगाल के कोठारी बंधु, उनके सीने में गोली लगनी चाहिए। किसने निश्चित किया? मुलायम सिंह क्या जाने कोठारी कौन है? मुलायम सिंह क्या जाने कि वो महेंद्रनाथ कौन है? सरयू से लाशों को निकालने का काम इन हाथों ने किया, और जो वहां चार धाम मंदिर में लाशें रखी थी उसे मक्खी मारने का काम इन हाथों ने किया। लोग नष्ट हो जाएं, इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले।